का शौक तो जन्मजात होता है इन लोगों को. इनको लगता है लोग इन्हें सुनने आते हैं. हाउ क्यूट. वहां सब कुछ होता है जो एक मेले में होता है, यू नो कार्निवल. भाई पेप्सी वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, पानी वाला, बुढ़िया के बाल, पॉपकॉर्न, मूंगफली, आइसक्रीम, समोसे, टिक्की, भाई झूले भी लगा ले साइड में. आधे लोग तो इसलिए बैठे होते हैं कि भाई इनको ये रोड के चौक से पकड़ के लाया होता है कि भाई ऐसा है, खाना खाने को मिलेगा और थोड़े पैसे भी मिलेंगे. वो कहता है भाई सारा दिन अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद बाहर कि भाई हम यहाँ बैठ जाए ना, बैठ के थोड़ी बहुत बकवास ही तो सुननी है, खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी. ठीक है, वोट हमने देखो तब भी नहीं देना भाई. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या लगता है कि लोग उनकी चालू बकवास सुनने आते हैं, घंटा देते हैं वोट. रैलीज एंड अपीयरेंसेस ऑन स्टेज, नथिंग न्यू, कुछ नहीं होनी, सबको पता है. आई टेल यू ट्रू इंसिडेंट. एक दिन मैं एक रोड ट्रिप पे था, मेरे जीपीएस में दिखा रहा भाई आगे का सारा लाल है. मेरे को जाना ही वही था भाई, चारा नहीं है ना आदमी के पास की जाना है तो क्या करे, वापस तो जा नहीं सकते. मैं सीधा सीधा चलता रहा. मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, लोग नारे लगा रहे हैं, झंडे हाथों में, हमारा नेता कैसा हो, रिमेम्बर जूते वैसे कहता, रिमेम्बर हमारा नेता कैसा हो, राजपूत जीवेशु. यहाँ तो लगेगा बेटा टाइम, गाड़ी बंद गई. 5 मिनट में देखा लोग पलट के आ रहे, वही लोग जो सेलफोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, वही लोग जो झंडे लेके घूम रहे थे, वही लोग जो रोड पे बैठे थे, वही लोग जो तालियां मार रहे थे. अरे भाई साहब क्या हुआ, एकदम सब छट गया. मतलब जीपीएस लाल से पहले नीला और फिर हरा में चल क्या रहा है. मैंने पूछा भाई हुआ क्या, कह रहा सर जी सब स्टेज है, हमने दिखाना था जी, बहुत सपोर्ट है, हमने रिकॉर्ड करके दिखा दी थी, बहुत सपोर्ट. भाषण सुनने या कोई घंटा आता है आप खुद सुनते हो. मैं भाई साहब वो मैं चल भाई चल आगे, बहुत काम कर रहा है, मैं बड़ी रैलियों में जाना है. भैया तो सबसे गंदी नौकरी होती है पुलिस वालों की. इलेक्शन के टाइम पे हर पागल गधा हाथ में झंडा, बैनर, पोस्टर, कुछ नहीं मिला तो सर पे पटका बांध लिया, गले मफलर डाल लिया. मतलब ये एक खुला सांड है, कुछ भी करने की इजाजत है, कुछ भी. पुलिस वाले रोके तो रोके कैसे हैं? और पागलों की तरह घूम रहे, इनका बाप नहीं रोक सकता किसी को. मतलब इन पागलों को ये बताए कि भाई तुम्हारा नेता तुम्हारे बारे में जानता तक नहीं है, तुम जो फ्री में घूम रहे हो ना, ये है कि तुम हो बेरोजगार. आज के टाइम में नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है भाई. इन लोगों को अगर नौकरी मिल जाए ना तो भाई कोई ढंग का काम करेंगे, लेकिन नहीं, झंडे लेके फिर रहे. अरे पुलिस वालों से पूछा करो भाई, जिन लोगों को तुम रूल तोड़ के भेज रहे हो वहां पे, उनको समझाओ कि यही पुलिस वाले तुम्हारी मदद करेंगे. लेकिन नहीं जी, दिमाग चलन और शेर अपना अठन्नी, करे तो करे. आई थिंक मैनिफेस्टो एक ऐसा हथियार है जिससे हर आदमी एक दूसरे की बख्या उधेड़ रहा होता है. भाई एक पहला आदमी आता है जी, है ना जी, मैं 5 रुपए दूंगा, लोग ये. दूसरा आता है, मैं 10 रुपए दूंगा, मैं लोग फिर तीसरा आता है, मैं इन दोनों से चुरा के दूंगा 15 रुपए, लोग वाह वाह. प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब इनको अपने ही वादों से मुकरना पड़ता है. इनसे पूछो सर आपने पिछली बार मुझे ए बी सी डी बोला था, अब जवाब दीजिए क्यों नहीं है. आधे टाइम इनके पास जवाब नहीं होता. मतलब अगर ऐसी प्रॉमिसेस ये अपनी बीवी के साथ करें और उतनी बार भाई जूते ऐसी जगह पे पड़ने और इतने इतने पड़ने की आदमी ना सहला पाए, ना बैठ पाए और ना दिखा पाए. बेस्ट तो तब होता है जब जिसको गाली दे रहे होते हैं, जिसके कान के नीचे रैपट रख रहे होते हैं, उसी के साथ हाथ बनाना है, उसी से गठबंधन, यू नो जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, यू नो यू गेट इट. उसी साथ काम करना पड़े, क्योंकि एक दूसरे की बेइज्जती करके और टांग खींच के तो भाई मेजोरिटी से तो कोई आता नहीं. और अगर एक दूसरे का ना पकड़े तो डूबना जाएंगे सारे के सारे. तब शुरू होता है सिलसिला घटिया पिक्चर्स का. और हाथ में हाथ में हाथ डाल के गले में साइड हग माला चलाते हो. व्हाट वी डोंट नो कि रियल राइवल्स ये लोग नहीं है, रियल राइवल्स है मैं और आप. क्योंकि हमारा जाता है काटा वो भी फुल रजामंदी से. हमें वो बकरे जिसको हलाल करा जाता है, ये है वो कसाई समझे, और है एक ही थाली के चट्टे बट्टे. सारी गलतियां माफ हो जाती है जी, कट्टर दुश्मन से सगा भाईचारा. पहले प्रॉब्लम्स कुड कम एनी टाइम, मतलब किसी भी चीज पे इसने मुझे उम्मीद दिलाई, इसने मेरे 2 रुपए ले लिए, इसने मुझे जीप चढ़ाई, इसने मुझे धक्का दिया. ये देखो ये समझ रहे, ये वो वाली लड़ाई है जो बचपन में होता है, ये बैटिंग करके ना बॉलिंग के टाइम में मेरी बैटिंग नहीं देता है,
और बैटिंग वाला था जिसका बैट उसकी बैटिंग, ये तुच्छ पर जो हरकत है ना, ये ना ये वो करते हैं जिसको आप समझते हो कि पागल नहीं। जब इनकी अपना टाइम आता है तो इनको बावलों वाला प्यार आ रहा होता है, भाई ना जाने कहां से उमड़ उमड़ के आ रहा होता है, देखो इसको ये मेरा भाई है, टोइंग मसा देखा, मैं जुड़वा भाई फंसा देखा, मैं कुंभ के मेले में खोया था। द रीजंस टू गेट बैक आर एज अब्सर्ड एज द रीजन टू स्प्लिट, बट यू नो व्हाट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड द बिलीफ। किसी को नोट मिलेगा, किसी को वोट मिलेगा, रोज देखो वोट द हेल, जीवेशु को सपोर्ट मिलेगा। हंसते हंसते उंगली कर, इस इलेक्शन हंसकर वोट कर।